आपकी खिदमत में मैं तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं हूं शेफ फिलिप और आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट एंड सावर सूप। हॉट एंड सावर सूप कैसे बनेगा और किन किन इंग्रेडिएंट से बनेगा, आइए मैं आपको बता देता हूं। रेसिपी का आगाज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा विनेगर, वाइट विनेगर, चिली पेस्ट, होममेड चिली पेस्ट है, ये बाजार से मिलता है। अगर आप घर में बनाना चाहें तो मैं इसी रेसिपी में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अंडा चाहिए एक अदर, चॉप की हुई कैरेट और चॉप किया हुआ कैबेज, टेस्ट के लिए चिकन पाउडर, सॉल्ट और गार्निश के लिए स्प्रिंग ऑनियन। चिकन जाएगा इसके अंदर डाइस किया हुआ, ये मैंने सौते किया हुआ है। और थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा, कॉर्नफ्लोर ये हमारे पास मौजूद है। तो आइए मेथड शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए जो आपका बुनियादी इंग्रेडिएंट्स है वो आपका स्टॉक है, आपकी यखनी है। जितनी अच्छी यखनी होगी उतना ही अच्छा आपका सूप तैयार होगा। यहाँ पे यखनी मैंने बोन्स की, चिकन बोन्स की तैयार कर रखी है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम चिकन, फायर को नीचे से फ्लेम को खोल देंगे। इसके साथ हम डालेंगे, इसके बाद चिली पेस्ट तकरीबन 2 टीस्पून। आप इसमें हॉट अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। सावर के लिए हम डालेंगे विनेगर, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 2 टीस्पून डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर ऑस्टर सॉस डालेंगे इसके अंदर। एक टेबल स्पून आपने शुगर भी डालनी है इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह पकाना है। सूप हमारा यहाँ पे बॉईल हो गया, टेस्ट प्रॉपर आ चुका है। अब हम इसको कॉर्नफ्लोर की मदद से गाढ़ा कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर आपने डालकर फौरन आपको इसमें मिक्स करना है, वरना ये गुठलियां बन जाएंगी। अगर इस तरह से डालना पड़ेगा तो फिर भी आपने अपने स्पून को, नीडल को इस्तेमाल करते रहना है। अब हम इसमें अंडा डालेंगे। अंडा आपने बिल्कुल नहायत बारीक लेयर से डालना है इस तरह, और फौरन इसके अंदर आपने स्पून नहीं मारना। और स्पून जब मारना है तो एक सीकुन के साथ मारना है ताकि अंडा बिल्कुल सही तरह निकला है। देखिए अंडा बिल्कुल थोड़ा से वो के सामने आ गए, ये देखिए। अब हम इसमें वेजिटेबल जो कटी हुई थी चॉप वो डालेंगे, कैरेट और कैबेज इस तरह से, और अब इसको मिक्स कर देंगे। सूप हमारा तैयार है। अब हम इसमें आखिर में फ्लेवर के लिए सेसमी ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सेसमी ऑयल डालेंगे फ्लेवर के लिए, ये इसको मिक्स कर देंगे, फ्लेम कर देंगे बंद। सूप हमारा तैयार है, इसे बाउल में निकाल दिया है। स्प्रिंग ऑनियन जो हमने गार्निश के लिए काटा हुआ था वो हम ऊपर इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से सूप हमारा तैयार है। आज की रेसिपी हॉट एंड सावर सूप तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी हमारी जरूर पसंद आएगी। वही रेसिपी है जो आप अक्सर होटलों में और रेस्टोरेंट्स में ये सर्व होता है इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।